So guys, finally हम ready हो गए हैं। अभी हम ready नहीं हुए हैं। 7 बजे हमें निकलना था, तो मैं कही थी मैं करेक्ट टाइम पे चाहे जैसे करके होंगी, फटाफट से हो गई हूँ। और आ जाओ आन्या, देखो कुर्सी पे चढ़ के अपना लुक दिखा रही है ना? हाँ। तो आन्या कैसी लग रही है? जल्दी जी आप पीछे पीछे गिर जाओगी। तो अभी अब गाइस हम हो चुके 8 मंथ के, अभी हम लगे हैं 8 मंथ में, वरना पहले 6 साल के थे, 7 साल के हो गए अब। इनकी जो बातें होती है बहुत निराली होती हैं। तो अभी हमने ये वाली मेहरून वाली साड़ी पहनी जो बहुत दिन से हम कहीं नहीं पहने थे, हमने कहा चलो यहीं पहन लेते हैं। तो बस अब हम निकलेंगे फटाफट से, पापा रेडी हो जाते हैं। हाँ तो चलो बस अभी सब लोग तो रेडी हो गए हैं, तो थोड़ी देर से मिलते हैं। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं हमारे रेस्टोरेंट जहाँ पर हमें आना था। तो चलिए चलो 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 चलो, हैप्पी बर्थडे। चलो चलो क्या म्यूजिक चलता रहेगा क्या? और 7 बजे से करते करते बज गए हैं अभी 7:40, मेरे ख्याल से 7:40 बज रहे हैं। और ये बार बार आ रहे हैं, मैं इनसे गुस्सा हूँ क्योंकि जब इनको कहीं जाना रहता है तो 5 बजे 6 बजे आ जाएंगी, फटाफट से सारा काम हो जाएगा। और जब हमको जाना रहेगा तो टाइम देख के आएंगे। राइट टाइम पे पहुँचाया है, राइट टाइम पे है, 7 बजे हमको यहाँ पहुँचना था। वैसे औरतों का काम ही ऐसे है। कैसे वाला है टाइम? गलती किसकी है? हमने 7 बजे बोला रहे हैं, डाल तुम पे रहे हैं। हाँ वही तो बोल रहे, 7 बजे हम इनको बोले थे लेकिन इनका काम वही रहता है, अगर खुद जाना है तो 5 बजे रेडी हो जाएंगे, हम लोगों को जाना है तो 8 बजे आ देंगे। ऑफिस बंद करने के बाद ही आदमी आता है ऑफिस, ऐसा नहीं था कि तुम्हारी 6 बजे आज ऑफिस। 7 बजे क्या करती है तुम? 7 बजे आके अभी मुझे रील्स बनानी है, फोटो खींचना है, सब कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। चलो देखते हैं क्या क्या करते हैं। तो चलिए गाइस अभी देखते हैं, थोड़ी सी रील्स बनाते हैं, आन्या की पहले फोटो वगैरह क्लिक करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या करना है, क्योंकि अभी बहुत सारे गेस्ट जो हमारे हैं वो नहीं आए, तो आ जाए फिर उसके बाद हम लोग आगे का कार्यक्रम करते हैं। आ जाओ आन्या, चलो फोटो शूट करवा लो, फोटो ही करवा लो जो भी है ना। तो सबसे बोलो कि सब लोग मुझे हैप्पी बर्थडे बोलेंगे, ढेर सारा प्यार देंगे, बोलिए सब लोग उनको हैप्पी बर्थडे बोलेंगे और ढेर सारे चाय भी। कितना सारा? बहुत सारा। चलो फोटो रील्स बनाना है, बना लो रील। हाँ रील्स नहीं बनाओगी? अब बनाएंगे। हाँ तो चलिए फोटो खिंचा लें फिर। हाँ चलिए जब तक तो ये रही हमारी देवरानी जी, देवर जी। अरे तुमने नोटिस किया? हमने तो नहीं किया था, मैचिंग मैचिंग भाई। यही तो मेरी भतीजी भी यही कलर का है। हाँ हम लोग देखो डिफरेंट। हाँ तुम दोनों मैचिंग मैचिंग, दिमाग लगा के आए थे क्या? क्या तुम लोग नहीं देखे, ध्यान दिए थे क्या जी? मैचिंग मैचिंग सोच के पहने थे, सही बताना। कहाँ चले बेटा? वीडियो भी तो बोला ना तभी तो पता चले। जानना है पब्लिक को। देख लो शर्मा रही हो क्या? पकड़ लो। तो बोलो ना, इससे कुछ दिक्कत है? अब भी जानती तुम्हारी साड़ी ऊंची ऊंची थी, तो मैं इससे बोल रही सोना में कि कविता साड़ी कैसे पहन के आई इतनी ऊंची ऊंची से क्यों है? तो क्योंकि उसको प्रेगनेंसी की वजह से ना ऊंची हो गई होगी। क्योंकि हम लोग क्या था, हम लोगों का ये है कि हम लोग जो है नीची साड़ी कभी पहन, ऊंची साड़ी कभी पहने नहीं है, इस वजह से वही मैं सोच रही कि हम, अब ये मेरी जो नेट वाली है ना ये कम आ रही है, तो ये देखो ऊंची है थोड़ी सी। तो चलिए हम लोग चलते हैं, आ जाओ आओ अन्या बैठो, अंकिता अंकिता करे आ रहे कविता। आओ।
कह रहे माइक एक ले लो मेरे, एक उसमें पता नहीं क्या दिक्कत हो गई आईफोन में कि जब अभी सुबह कितनी ब्लॉगिंग की थी ना उसमें दो तीन वीडियो में आवाज ही नहीं। हाँ ऐसा क्यों, मैंने भी देखा ब्लॉग में पहले में थोड़ा शुरुआत में आवाज नहीं थी ना जब वहां गई बाइक से, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। इस वजह से तो अभी हम लोगों का फोटो शूट वगैरह हो गया। कितना बज रहा है, कॉपीराइट आएगा? आप बार बार क्यों खोल रहे हो? अब ये मेरा गुदा है, गुदा है, अभी कोई आया नहीं, 8 बज गए। हाँ तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, अभी तक कोई आया नहीं है, देखते कब तक। कब तक पापा चाहिए? पापा आ जाओ, आ जाओ, पापा के पास आना है। हाँ बाबू, पापा के पास आना है। मम्मा कहाँ है? मम्मा कहाँ भैया की? आज बर्थडे है, किसका बर्थडे है? हाँ हाय करो, शे हाय, शे हाय, शे हाय, शे हाय, हाय हाय, भैया का बर्थडे है, दीदी का बर्थडे है। चलो 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 कविता, चले बाहर क्या, अगर तुमको आराम हो तो ठीक, मैंने चलो बाहर फोटो बिताता और खिंचवा ले बाहर। झूले पे बैठ गए। नमस्ते भैया। नमस्ते हाँ बाबू, बाबू जा रहा हूँ हम लोग बैठ गए क्योंकि फोटो वगैरह कुछ समझ में नहीं आ रही। जब आप कहीं बैठ जाते हो ना तो लगता है कितनी सारी फोटो खिंचवा लिया, फिर उसके बाद जब घर पहुंचते हो तो लगता है एक भी फोटो नहीं, और जब कहीं जाते हो तो फिर लगता है यार दो फोटो खिंचवाई बहुत सारी फोटो हो गई। और इधर बैठी है प्रतिभा। चलो अभी बैठ गए हैं, देखते हैं आ जाए सब लोग, फिर कुछ खाते पीते हैं उसके बाद फिर डांस करते हैं, क्योंकि 10 बजे डीजे बंद हो जाएगा। उसके बाद डांस नहीं कर पाएंगे, तुम दोनों तो फ्री हो, तुम दोनों को टेंशन नहीं है। आज हम भैया को कहेंगे डांस करें अकेले फ्री होके, है ना? हाँ। चलो थोड़ी देर से मिलते, मेरे बाबू देखो कितना इंजॉय कर रहा है। अरे इन लोग गर्मी में झूला, देखो फ्रेंड मिल गई उसकी, आन्या की, आन्या की, आन्या की, आन्या की, चिंता ना करो तुम्हारे फेस पे नहीं लगेगा। क्या तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया, हम लोगों ने 7 बजे का टाइम दिया था, और इस टाइम मैं आपको बता दूं कि इस टाइम बजने वाले हैं 9, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं। और मैं इनसे बोल रही कि चलो हम लोग केक वगैरह कट करते हैं, जितने लोग हैं उतने लोग में ही, लेकिन अभी ये वेट कर रहे हैं, नहीं आ जाने दो, आ जाने दो, क्योंकि देखो टाइम से चीज़ें हो जाती तो अच्छा। 9 बजने वाले हैं और अभी कोई आया नहीं, तो ये है कि हो जाए चीज़ें तो ज़्यादा सही। देख रहा भाई ये बाबू, ये दी मम्मी। तो बाबू एंजॉय कर रहे हो? हाँ हाय बाबू। सो गाइस, हम लोगों ने सोचा कुछ खा पी लिए, उसके बाद फिर करते हैं केक कटिंग वगैरह। और सब लोग हमारी पार्टी जो देवरानी देवर जी सब लोग बैठ चुके हैं, और इधर प्रतिभा भी बैठी हुई हैं, भाभी बैठी हैं, और भाभी की बेटी भी बैठी हुई हैं, बच्चे बैठे हुए हैं।
सब लोग बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब कुछ आए कब खाए। भाई ये लोग इंतजार नहीं कर रहे, मैं इंतजार कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ, है ना। और ये हैं हमारे भैया जी, मिलवाए थे कि नहीं मिलवाए हैं, अभी नहीं मिलवाए हैं, प्रतिभा के हस्बैंड जी और हमारे भैया जी, इनसे मिलवाने का कोई मतलब नहीं, ऑलरेडी मिल चुके हैं आप लोग। और इधर सोनम बैठी हुई है, बाबू बस, और अभी किसका वेट हो रहा है, भाभी का वेट हो रहा है, बहुत लेट कर चुकी है, एक भाभी बहुत लेट कर चुकी हैं, दूसरी भाभी भी लेट कर रही हैं। इंतजार कर रहे कब से आ जाए, बोलो एंजल लो, फ़ोन कर लो एक बार अभी, एंजल ज्योति भाभी हैं, और एक इनके ज्योति भाभी हैं, बताए तो ज्योति भाभी हैं, और एक कौन है संदीप की वाइफ, इनके फ्रेंड की वाइफ, तो मेरी भी वो भी भाभी लगे। कहाँ पहुँचे, बस सबसे यही पूछा जा रहा है कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे, और अभी कोई पहुँच नहीं पा रहा है। बहुत टाइम हो गया क्योंकि 10 बजे डीजे बंद हो जाएगा, और हमें क्या करना, डांस करना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डीजे बंद तो कुछ नहीं है ना, तो बस कुछ खा पी लेते। लोगों का बर्थडे है, किसको हम किए, तो प्रतिभा का आपको नहीं पता क्या, हम लोग स्टेटस, हम लोग स्टेटस लगाए हैं, सोनिया लगाई है, सब लगाए हैं। आप दोनों का केक कटवाएंगे आज, इसका भी बर्थडे, मुझे नहीं पता था। फोन किए तुम, अरे अनमोल लग जाएगी बेटो, आनिया आराम से लग जाएगी, हमारा बर्थडे है, भाभी भी है, फ्रेंड भी है। बाबू क्या हुआ, कुछ बोलो यार, तुम शांत शांत अच्छे नहीं लगते। अरे बोल ले यार, इसको हटो, समझाएं, अभी लग जाएगा इनको। नहीं मान रही, बहुत देर से मना। हाँ गई थी आन्या, हाँ गई, इतनी तेज तेज कोई झूला झूलता है, बोलिए, इतनी तेज तेज झूलती गिरती नहीं, सिलो आदमी आ रहा, सिलो नहीं नाम हम रखे हैं, अब डुब डुब रखे हैं, हिलते हिलते। आप जानते हो ये बोलना नहीं, ये वीडियो में डाल देंगे, जब बाद में कमेंट करेंगे, अभी तुम हम लोगों को क्या बोल रहे थे पीठ पीछे।